अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ में लेके आई हूँ सभी की फेवरेट चिकन बिरयानी की रेसिपी। तो मैंने इसे कैसे बनाया है, मेरे क्या मेथड्स है बिरयानी बनाने के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए आइए देखते हैं मैंने इस बिरयानी को कैसे बनाया है। चिकन बिरयानी के लिए हम पहले लेंगे धनिया पत्ता एक पंच, पुदीना का पत्ता एक पंच, दो टमाटर और तीन चार हरी मिर्चें। इन सभी को हम ग्राइंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता रफली चॉप करके डाल दिया, अब टमाटर भी रफली चॉप करके डाल देंगे। उसके बाद हम मिर्च भी है उसको भी रफली चॉप करके, उसके बाद इन सभी का एक पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट बनके रेडी है। अब हम चलते हैं चिकन की तरफ। तो मैंने यहाँ पे एक किलो चिकन लिया है, अब हम इसे मैरिनेट करेंगे इसमें सारे सूखे मसाले डाल के। तो यहाँ पे मैंने दो चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला है, उसके बाद यहाँ पे एक चौथाई चम्मच हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे, दो बड़ी चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे, उसके बाद आधा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उसके बाद दो बड़ी चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, फिर तीन बड़ी चम्मच हम दही डालेंगे, उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल देंगे, उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था उस पेस्ट को डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे दो प्याज को फ्राई करके रखा है उसे भी ऐड कर देंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हमें इसे कम से कम एक से दो घंटा मैरिनेट होने रखना है। आप चाहे तो ओवरनाइट भी कर सकते हैं, बट कम से कम एक से दो घंटा इसे मैरिनेट करना है। अब हम इसे ढक के रख देंगे मैरिनेट होने। मैरिनेट करते हुए मुझे तकरीबन दो घंटे हो चुके हैं, हमारे मैरिनेशन अच्छी तरीके से हो गई है। अब हम इसमें मसाले ऐड करें। मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है और एक पैकेट पूरी चिकन मसाला डाली है एवरेस्ट के। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें दो बड़ी चम्मच हम तेल डालेंगे, उसे अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। उसके बाद हम सारे चिकन मैरिनेटेड चिकन जो है हम उसमें ऐड कर देंगे। चिकन को डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से हम पलट कर लेंगे, यानी तेल में को चिकन में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें चिकन तब तक पकाना है जब तक हमारा चिकन गल ना जाए। मैंने यहाँ चिकन को गलने के लिए मीडियम फ्लेम पे रखा है, आप चाहे तो हाई फ्लेम पे भी रख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे चिकन गलाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चिकन अच्छी तरीके से गल चुका है, उस पे तेल देख सकते हैं और चिकन जो है वो बोन से अलग हो चुकी है। तो चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है लेयरिंग के लिए। अब हम इसे साइड में रख देंगे। हमें यहाँ पे बिरयानी में आलू डालना है, तो आलू को मैंने यहाँ पे तीन से चार आलू लिए, उसे अच्छे तरीके से कट करके उसे मैरिनेशन वाले मसाले में ही मैरिनेट कर लिया है और ऑरेंज फूड कलर डाल दिया। अब हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे हम दो सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पे दो सीटी लग चुकी है, यहाँ पे प्रेशर भी रिलीज़ हो गया है। अब हम चेक करेंगे हमारे आलू अच्छे तरीके से कुक हुए हैं कि नहीं कुक हुए हैं। तो हमारे आलू बिल्कुल ही परफेक्टली अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बिरयानी के चावल बनाने की प्रोसेस शुरू करी। यहाँ पे मैंने इंडिया गेट का मिनी मोगरा चावल लिया है, उसे अच्छी तरीके से वॉश करके उसका वाटर स्ट्रेन कर लिया है। चावल के लिए हमें चाहिए कुछ खड़े मसाले, तो हमने यहाँ पे तीन तेज़पत्ता लिया है, दो दालचीनी ली है, एक जावित्री का फल, एक काली इलायची, दो हरी इलायची, तीन चार लौंग और आधा चम्मच शहजीरा। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का पतीला लिया है, उसमें चार बड़ी चम्मच रिफाइन ऑयल डालेंगे। आप रिफाइन ऑयल की जगह ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आपके घर में जो अवेलेबल है उसे यूज़ करिए। उसके बाद हम इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे। उस खड़े मसाले जब हमारे क्रैकल हो जाएंगे तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें चावल का डबल ऐड करना है। यहाँ पर मैंने मेरे तीन बड़े ग्लास चावल थे, तो मैंने 6 ग्लास पानी डाला है। तो आप जिस चीज़ से भी मेजर्ड करें उसका डबल पानी डालें। इसमें अब हम बॉईल आने देंगे। यहाँ पे मेरा पानी अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे दो बड़ी चम्मच नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें।
नमक डालने के बाद हम अब इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। पानी और चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसे धीमी आंच पे उखोने देंगे। चावल हमारा पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये चावल हमारे अच्छी तरीके से कुक हो गए। इसकी एक आप आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं कि चावलों में इतने होल्स होंगे, तो ये कम से कम 70-80% कुक हो चुके हैं। अब हम ये बिरयानी की लेयरिंग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्टेज पे है। अब हम इसे लेयरिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे बिरयानी की दो लेयर बनाई। आप चाहे तो दो से तीन लेयर बना सकते हैं, आप चाहे तो चिकन के बाद फिर चावल के बाद फिर आलू डाल सकते हैं। आप इट्स अप टू यू, आप जैसे लेयर करना चाहें, आप जैसे सजाना चाहें बिल्कुल आप सजा सकते हैं। मेरे तरीके से भी सजा सकते हैं, आप अपने नए मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, तो सजाना बिल्कुल आपके ऊपर है। ज़रूरी नहीं आप मेरे मेथड को फॉलो करें। बिरयानी की लेयरिंग के बाद हम इसे 20 से 25 मिनट के बाद दम पे देंगे। दम के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉटन का क्लॉथ यूज़ किया है, उसे मैंने अपने लिड पे कवर कर दिया अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं उसको उस पतीले के ऊपर रख दूँगी। बिरयानी को दम देते हुए मैं 25 मिनट हो चुके हैं। हमारे चावल बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इसे हम 5 मिनट रेस्ट करने देंगे। उसके बाद हम अभी इसे मिक्स करके सर्व करेंगे। ये मेरी बिरयानी की प्लेट बिल्कुल रेडी है कि सर्व करने के लिए। घर पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए। बिरयानी तो सभी को पसंद आने वाली है, बच्चे बूढ़े सभी को पसंद आती है। आप इसे किसी भी रायते के साथ, सैलेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरे इस मेथड से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप ट्राई करते हैं तो अपना फीडबैक मुझे देना ना भूलें। और आपने को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।